दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए फाइनली प्लाज्मा लेकर आया हूँ। आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे डिमांड की थी, कमेंट्स किए थे कि सर एक बार प्लाज्मा पे वीडियो लाइए। एक्चुअली ये प्लाज्मा होता क्या है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें क्या लगता है, ये कैसे काम करता है, इसका पैटर्न कैसा है, सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रहे हैं हम लोग और काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए ऑफिस नंबर पे इसे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसे ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ये डिलीवर होता है। इसके डिलीवरी का एक पैटर्न है कि आपको गाड़ी यहाँ लानी होगी, हम लोग इसे गाड़ी में डालेंगे, फिर फिट करेंगे और फिर ही आपको हैंड ओवर करेंगे। क्योंकि इसका जितना वेट है, आप इसे उठाना तो छोड़िए हिला भी नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि हम लोग इसे हिलाने के चक्कर में जाएंगे ही नहीं, एक बार फिट करके गाड़ी में डाल दिया और आप इसे बजाइए, लोगों को हिलाइए। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आइए आज फिटिंग से स्टार्ट करते हैं। हमारी प्लाज्मा कैबिनेट में हम लोग 18 इंच के 2000 वॉट के स्पीकर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। इन स्पीकर्स के लिए हमने इसमें होल्स पहले ही कर दिए हैं और एलंकी नट बोल्ट से इन्हें हम फिट करने वाले हैं। स्पीकर्स का वेट काफी होता है। अगर आप कोई प्लाज्मा कैबिनेट लेते हैं तो उसे घर पे फिट करना उचित नहीं होगा, आप इसे प्रोफेशनल के हाथ पे छोड़ दीजिए फिटिंग के लिए। क्योंकि ये चीज़ का वेट इतना हो जाता है और स्पीकर एक्चुअली इसमें बाहर फिट हैं उल्टे, तो अगर एक भी स्क्रू आपका ढीला हुआ तो पूरी कैबिनेट का आवाज गड़बड़ हो जाएगा। इन कैबिनेट्स में एयर प्रेशर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि कहीं से भी एयर लीक होने से आपके पूरे बेस का डायरेक्शन या फेज चेंज भी हो सकता है। और एक कैबिनेट का फेज चेंज होना यानी दूसरे कैबिनेट के अपोजिट जाना, तब आवाज़ कैंसिल हो जाती है, मतलब बेस आपका आके भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि बज रहा है। इन चार स्पीकर्स के और प्लाज्मा कैबिनेट के बाद लगभग इसका वेट 2 क्विंटल के करीब करीब हो जाता है, मतलब 200 किलो से अंदर अंदर थोड़ा बहुत इसका वेट होता है। और ये वेट आम आदमी के बस का नहीं है उठाना। ट्रांसपोर्ट से जब ये भेजा जाता है माल, तो कई जगहों पे हम लोग जैसे भेजते हैं तो गाड़ी बना के ही भेजते हैं, मतलब गाड़ी में इसको कैबिनेट भेज देते हैं और स्पीकर्स का हम लोग होल्स कर देते हैं पहले ही। कस्टमर इन्हें सिर्फ रखते हैं और स्क्रू कस देते हैं, इस टाइप का इसका फिटिंग होता है। फिटिंग हमारा हो चुका है, एक बार मैं आपको क्लोज लुक दिखा देता हूं कैबिनेट का। इसमें आप देख सकते हैं स्पीकर एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। इस कैबिनेट में अगर आप ध्यान देंगे तो स्पीकर्स को एक टी बिन टाइप की कैबिनेट मिल रही है, जिसमें स्पीकर उल्टा फिट है और ऊपर की जगह नीचे से इसका एयर वेंटिलेशन दिया गया है स्पीकर के नीचे से। और दो स्पीकर्स को पैरेलल कनेक्ट किया गया है, मतलब 4 ओम्स पे एक साइड इसका काम करने वाला है। 4 ओम्स के दो साइड स्पीकर में है, एक्चुअली ये 2 कैबिनेट का एक है। और बात रही कैबिनेट की तो फिनिशिंग आप देखिए, पेंट वर्क इस पे काफी अच्छा किया गया है। साइड में हमने इसे 4 हैंडल दिए हैं एक साइड से, यानी अगर एम्प्टी कैबिनेट है तो आप 2 लोग इसे उठा सकें इस टाइप का, हालांकि इसे 2 लोग नहीं उठा पाते हैं। फिर भी बैक साइड में 2 स्पीक ऑन सॉकेट प्लेट्स लगी हुई हैं, एक साइड का इंडिविजुअल प्लेट, दूसरी साइड का इंडिविजुअल प्लेट, हमने सिर्फ सॉकेट लगा रखे हैं इसे टेस्टिंग के लिए पहले। अभी इसके ऊपर ग्रिल अपनी चॉइस का आता है, कई बार कंज्यूमर जो है ब्लैंक ग्रिल मांगता है,
कई बार इसे टाइगर वाली ग्रिल आती है। दिखने में ये काफी विशाल सा कैबिनेट दिखता है, काफी हैवी दिखता है, और क्योंकि ये स्पीकर भी काफी अच्छी क्वालिटी का है तो ये भी इसमें बजने में धमाल करके दिखाएगा। तो प्लाज्मा का बेसिक मीनिंग क्या है, पहले मैं बताऊं आपको। जब बहुत सारी एनर्जी एक जगह पे आती है और वो एनर्जी पूरी इंटैक्ट हो जाती है, उस जगह को बोलते हैं प्लाज्मा, उस एनर्जी को बोलते हैं प्लाज्मा। उसी टाइप से इस टाइप का ये प्लाज्मा बनाया गया है, जहाँ पे बहुत सारी पावर यानी कि बेस एकत्रित किया गया है, एक साथ लाया गया है और उसको एनक्लोज करके एक कैबिनेट में डाला गया है, तभी उसका नाम दिया गया है प्लाज्मा। अब फंडा क्या है, देखिए, एक तो इसकी हाइट होती है 4 फीट, मैं आपको बेसिक बताता हूँ। इसके अंदर 4 स्पीकर लग रहे हैं। अब इसको कैबिनेट को एक साइड से इंटैक्ट किया गया है, हालांकि इसके अलग अलग डायमेंशन भी बन सकते हैं, इसमें सीधे और उल्टे दोनों टाइप से स्पीकर फिट होते हैं, लेकिन इस टाइप की कैबिनेट में क्या होता है, इसे ज़्यादा लीटर्स मिलते हैं, यानी कैबिनेट को हम लोग जो गिनते हैं ना तो लीटर्स में गिनते हैं, तो इसे ज़्यादा लीटर्स मिलते हैं काम करने के लिए। अब मैग्नेट फ्री है, पीछे से एयर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम पे क्या होगा, स्पीकर को जितनी हवा चाहिए वो खींच सकता है और अंदर दे के इसे घुमा के वापस लाया जा सकता है। सब्जेक्ट टू, क्योंकि ये 4 स्पीकर है तो आपको काफ़ी मजबूत कैबिनेट बनानी होती है, और ये 4 स्पीकर फिट होने के बाद हिलने का नाम भी नहीं लेती है, जैसे ये अभी भी नहीं हिल रही है, लेकिन बचती है, बॉस खास बचती है। मतलब इसका रीज़न है कि आप एनर्जी देखिए, इसकी पावर देखिए, मतलब 2000 वॉट के 4 बेस लगे हुए हैं इसमें। अब इसको बजाने के लिए 2 फॉर्मूलाज हैं, एक तो है कि अगर आप इसमें कम वॉटेज के स्पीकर डालते हैं, जैसे पूना साइड में करते हैं कई लोग, मतलब 1000-1200 वॉट के स्पीकर डाल देते हैं, तो ऐसे वो लोग 2 ओम्स पे दे देते हैं, यानी एक चैनल पे एम्पलीफायर जो आपका 4000 वॉट देता है 2 ओम्स पे, तो वो 1000-1000 के 4 बेस डाल के दे देंगे आपको और बोलेंगे ये बजता है। देखिए, 4 स्पीकर जब एक साथ आएंगे 18 इंच के तो ऑब्वियस बजेगा, लेकिन जो एनर्जी, जो फील इसका आएगा 2000 वॉट या उससे ज़्यादा वॉटेज भी, तब की एनर्जी हमें फील होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको उसको 2 ओम्स पे नहीं यूज़ करना है, आपको यूज़ करना पड़ेगा उसे 4 ओम्स पे। 4 ओम्स का पार्ट क्या होता है कि ये 2 स्पीकर एक ही एम्पलीफायर पे चलेंगे, ये 2 दूसरे पे चलेंगे, तब जाके वो 4 ओम्स पे होगा। 2 सॉकेट लग जाएंगे। मैं आपको इस कैबिनेट का पीछे का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, मैंने सॉकेट फिट नहीं किए हैं, सॉकेट खुले रखे हैं ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ, और अंदर का स्ट्रक्चर आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसा दिखता है। इसमें यहाँ से अंदर से एयर वेंटिलेशन है, यहाँ से जहाँ मैं हाथ डाल रहा हूँ, और इसको टाइप ऑफ लो फ्रीक्वेंसी कैबिनेट बोला जाता है, LF का कैबिनेट बोला जाता है, और क्योंकि ये 2 कैबिनेट एक साथ है तभी इतनी एनर्जी आती है। हालांकि कई जगहों पे इसे लगाने नहीं दिया जाता है, लेकिन अब जो बचता है तो वो बिकता है और वही चलता है। तो अभी मैं आपको इसका एक डेमो देने वाला हूँ छोटा सा, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा देर नहीं बजा पाऊँगा, इसकी आवाज़ में सब शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसका ट्रायल करते हैं। आप लोग हेडफोन लगाइए तो मैं इसको बजाता हूँ थोड़ा। We'll be right back.
के लिए मन शांति मांगता है ये सुनने के बाद, क्योंकि काफी मैसिव पावर ये जनरेट करता है। और इसका एक्चुअली फंडा क्या है कि आप ना ये जो सेंटर वाली लाइन है उसके सामने अगर आप खड़े रहते हैं, इस सेंटर वाली लाइन के सामने आप अगर वहां खड़े रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा। और क्या होता है कि जब गाड़ियों में ये फिट होता है ना, तो गाड़ी की हाइट होती है लगभग 1.5 फीट की, 1.5 फीट के बाद ये फिट होता है, यानी 1.5 और 4 लगभग 5.5 फीट, यानी हमारे नॉर्मल पर्सन की हाइट के इतने इतने लगभग ये बेस आ जाते हैं। तो ये जब प्रेशर आपको देंगे ना, तो पूरी बॉडी पे प्रेशर आपके पड़ता है, और इसी वजह से आपको ये प्रतीत होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बज रहा है, क्योंकि आपके बिल्कुल फ्रंट में आके ये बजना स्टार्ट हो जाता है और एट दैट मोमेंट इसका प्रेशर फिर आपको फील होता है। लेकिन ये इस पे दो चीज़ें हैं, एक है कि ये वाइब्रेशन और पंच के लिए कैसा है, मैं आपको फॉर्मूला बताऊं। अगर इसमें आप 2000 वॉट के डाल रहे हैं तो आपको वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आएगा, पंच उतने लेवल का नहीं आएगा, यानी SPL जो हमारा मैच नहीं होगा पंच और वाइब्रेशन का। लेकिन प्लाज्मा बनता ही वाइब्रेशन के लिए, पंच आपको अगर महसूस करना है तो इसमें 1500 वॉट, 1600 वॉट, यानी 4.5 इंच वॉइस कॉइल वाले स्पीकर आप इसमें डालिए। और अगर आप डबल मैग्नेट 4 इंच वॉइस कॉइल 4 लेयर का वो डालते हैं तो अमेजिंग साउंड करेगा। प्लाज्मा को एक्सप्लेन करने का मैंने निर्णय इसलिए लिया क्योंकि आप में से कई लोगों ने इसे मुझसे मांगा है और कई लोगों को मैंने अभी तक डिलीवर भी कराया है, लेकिन इसे सही टाइम पे लाना ज़रूरी है। इसे अगर मैं गणपति के सीज़न के पहले नहीं लाता, ऑफ सीज़न में लाता, तो तब तक तो फॉर्मूला लीक हो जाता था। मतलब आपको एक्सक्लूसिव आइटम एकदम परफेक्ट टाइम पे लाने का समय अभी आया था, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई है। आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है और आप लोगों को समझिए। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए, और इससे पहले ये कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे कमेंट का सजेशन दीजिए कमेंट में कि आपको और किस पॉइंट पे ऐसी वीडियोस चाहिए। मैं आपको इस स्पीकर का नाम बता देता हूँ आज, आप में से कई लोग एंड तक वीडियो शायद ना देखी हो किन्होंने, तो वो उनके लिए सीक्रेट ही रहेगा। इस स्पीकर के बारे में मैं फ्यूचर में बात करने वाला हूँ, टर्बोसोनिक। बने रहिए, अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।